प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए कि ये एक ऐसा बजट है जो रेलवे के लिए अच्छा है, यात्रियों के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत वाहवाही की उम्मीद शायद वो भी इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि बजट के नाम पर आखिर किया क्या गया है, कुछ नया तो दिखाई नहीं दे रहा ना सुनाई दे रहा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला है और विवेक के साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। विवेक, बात कीजिए उनसे, क्या कह रही है। रेल बजट के कुछ खास हाइलाइट्स में विमेन सेफ्टी है, खास ध्यान दिया गया है। न सिर्फ निर्भया फंड को इसमें इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है, बल्कि एक बड़ा हाईलाइट ये भी है कि कुछ निश्चित ट्रेनें ऐसी होंगी जिनके कोचेज में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे सर्विलांस के लिए, ताकि महिला सुरक्षा को अहमियत दी जा सके और एविडेंस के साथ में उसको ट्रैक किया जा सके। हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जिनके लिए बड़ा इशू है। अब पहले ये जानना चाहेंगे आप लोगों से, कितना बड़ा इशू है वुमेन सेफ्टी ट्रेन के अंदर ट्रेवल करने? बहुत बड़ा इशू है, जब तक वुमेन की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं होगा तो वुमेन कैसे? बताइए। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कई बार जाती हूँ रात को ट्रेन में सफर करती हूँ, तो लड़के इतने बेआम कुछ भी कर सकते हैं, जब तक अगर कोई आम अच्छा सा स्टेप नहीं उठाया जाएगा तो तब तक कैसे लड़कियां सेफ्टी पे बरस, कुछ भी कहीं हाथ लगा देंगे, कोई नंबर मांगेगा, कोई कुछ करेगा, ये कोई तरीका नहीं होता। ऐसा होता है, ये बहुत होता है ट्रेनों में, पूरी रात पूरे दिन आप कभी भी जाके दे सकते हैं, लाइव है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि लड़के कहीं भी आपको हाथ मार जाते हैं या फिर कभी नंबर्स के लिए इशारा कर देते हैं, कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो इनके लिए सीसीटीवी कैमरा इज नॉट मोर देन इनफ। आई गेस अभी सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल हुआ है वो अच्छा होगा, बट वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा हर जगह होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं पर वो काम नहीं करते, और ट्रेन का जैसे आपको पता है एक बार चीज़ बन जाती है इम्प्रूव नहीं होता, इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सीसीटीवी कैमरा अगर लग रहा है तो उसको इम्प्रूव करके मेंटेन करके रखे, तभी काम आएगा। ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इनका जैसा बताया अभी इन्होंने, जो कि भयावह है अपने आप में, भयानक है ये सोचना कि कोई आपको कहीं भी हाथ लगाए या फिर नंबर मांग रहा हो, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा हो। इसके लिए ये जो मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का हो, चाहे वो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो, ये कितना किस हद तक मदद करेगा? जो आपने बोला है कि सीसीटीवी कैमराज एंड ऑल, तो वो हम अपने आप से नहीं डिसीजंस ले सकते, जो लोग एक्सपीरियंस है जिन्होंने ये प्रॉब्लम सेव की है उन्हें जो लगता है उसी के मुताबिक ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब सीसीटीवी कैमरा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन में वो चले भी, ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल अगर मान ले कि चल रहा है, हाँ, तो फिर ऐसा कुछ अलार्म सिस्टम होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरास या तो 24 आवर्स ऑन होने चाहिए कि वहाँ पे कोई बंदा देख रहा है उन्हें कंटिन्यूसली, बिकॉज अगर कोई देख ही नहीं रहा है तो सीसीटीवी कैमरास को उसका फॉलोअप जरूरी है। आपको लगता है पर्याप्त है अपने आप में, या कहीं कोई आप अभी जो बात करेंगे प्राइवेसी से जुड़ा भी कोई मतलब? हाँ, प्राइवेसी जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर कहीं भी ऐसे लगा दो कि प्राइवेसी किसी की ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं कॉर्नर में लगा दो जिसका कोई फायदा ना हो कैमरे का। हाँ, और अगर ऐसा है तो कैमरा ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ सेफ्टी भी वो आपको दे और